यूपी के मेरठ थाना भावनपुर क्षेत्र के पंचगांव में बने केबीएसएस इंटर कॉलेज में शुक्रवार उस समय बवाल हो गया जब एक दसवीं के छात्र ने तीसरी के छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी। मामला बुधवार का बताया जा रहा है। कक्षा तीन में पढ़ने वाले छात्र जीतू कश्यप पुत्र मांगेराम से हर्ष जाटव का बुधवार को मिड डे मील का खाना खाते समय किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि हर्ष जाटव ने जीतू कश्यप को लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। जीतू कश्यप के हर्ष जाटव की एक लात गुप्तांग पर लग जाने के कारण जीतू कश्यप वहीं गस खाकर गिर गया। इतना ही नहीं, उसको स्कूल के प्रांगण में ही खून की उल्टी भी होना शुरू हो गई। इसके बाद स्कूल प्रबंधक ने इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी छात्र को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय गंभीर हालत में उसके परिजनों को सौंप दिया, जिसके चलते तीसरी के छात्र जीतू कश्यप की हालत और बिगड़ती चली गई। बीती रात घायल जीतू कश्यप ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने जीतू कश्यप के शव को स्कूल के प्रांगण में रखकर स्कूल प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इसकी सूचना मृतक जीतू कश्यप के परिजनों ने भावनपुर थाना पुलिस को भी दी। दल बल के साथ भावनपुर थाना प्रभारी नीरज मलिक मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद मृतक जीतू कश्यप के परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल सुशील कुमार शर्मा को मौके पर बुलाने की जिद ठान ली। लंबे इंतजार के बाद स्कूल के प्रिंसिपल सुशील कुमार शर्मा डरे सहमे मौके पर पहुंचे। इसके बाद स्कूल प्रिंसिपल ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद स्कूल प्रबंधक ने मृतक की माँ शविता को स्कूल में चपरासी की नौकरी और 5 लाख की आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। सर, कल की वारदात है केबीएसएस इंटर कॉलेज की, जिसके बाहर हम सभी लोग खड़े हैं। यहाँ पर दसवीं क्लास के एक छात्र ने तीसरी क्लास के बच्चे को लात घूंसों से पीट पीट कर मारा बुरी तरीके से, और उसके बाद सर स्टाफ ने बच्चे को यहीं पर लेटा के रखा, कोई ट्रीटमेंट किसी तरीके का नहीं दिया। बच्चे की हालत बिगड़ता देख उन्होंने बच्चे को किसी बच्चों के साथ में उसके घर पहुंचवा दिया। किस टाइम की घटना है ये? सर 11 बजे के लगभग की है, 10:30-11 बजे की। स्कूल के अंदर की मौजूदगी में स्कूल चल रहा था, सभी बच्चे पढ़ रहे थे, उस टाइम की वारदात है। फिर उसके बाद स्कूल की छुट्टी होने के बाद में इतनी लापरवाही बरती गई है कि अभी तक स्टाफ मतलब जिसकी मारा है उसके घर कोई भी पहुंचा नहीं है हालचाल पूछने के लिए या देखने के लिए किसी तरीके की क्या समस्या बनी है। लड़के का नाम जीतू है, और सर आज सुबह उस बच्चे की ज्यादा नाजुक होने के कारण सुबह मर चुका है। 3 बजे के आसपास मृत्यु होगी। उसके परिवार वाले उसे हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद सर हमने प्रिंसिपल साहब से बात करने के लिए हमने उनसे अनुरोध करा, और हम पूरे स्टाफ के सामने यहाँ आए हैं। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर बंद कर लिया है, और प्रशासन होने के बाद भी हमने किसी से कोई बदतमीजी नहीं की है। प्रिंसिपल साहब अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। और सर एक बात और, 6 महीने पहले सर एक वारदात और हुई थी स्कूल के अंदर। एक बच्चा फांसी लगाकर इन्होंने इतना टॉर्चर किया उस बच्चे को, ब्लैकमेल, वो बच्चा फांसी लगाकर मर गया था शर्मिंदगी के कारण। ठीक है सर, शर्मिंदा के कारण उसने शर्मिंदगी, स्टाफ इतना लापरवाह है कहने का मतलब हमारा ये है। कुछ दिन पहला भी एक लड़की भी मरी थी, लड़की की वारदात है, वो लड़का मरा था फांसी लगाकर, इन लोगों ने उसको ब्लैकमेल करा था। प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल साहब का मोबाइल नंबर बंद है, कोई खबर नहीं मिल पा रही है, स्टाफ कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, क्यों नहीं आ पा रहे हैं। अभी स्कूल के बारे में आप क्या कहेंगे? सर मेरा कहने का मतलब ये है, इसका रेपुटेशन तो सुधरना चाहिए, बनता ही बनता है। देखो इतनी बड़ी वारदात होने के बाद में दो बच्चे हमारे मर चुके हैं, बच्चे हमारे अभी भी पढ़ रहे हैं, कम से कम कार्रवाई ना हो पा रही है। स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है। हेलो एक बात, मैं लकी तोमर, मैं बताता हूँ, इस स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है कि और स्कूलों के मुकाबले इसमें 3 गुना फीस लेते हैं, फिर भी हमारे गांव के बच्चे मेहनत करके फिर कहीं भी ये जाकर पैसे पूरी जमा करते, फिर भी इस स्कूल का वो सुधर नहीं पा रहा है। 1600 रुपए और स्कूल में फीस है ये 5000 लेते हैं, जहाँ 1200 फीस है ये 3000 लेते हैं। सर इस चीज को देखो, स्कूल चल रहा था, हम तो यहाँ पर थे नहीं, स्टाफ मौजूद था, स्टाफ हमें कोई भी जवाब नहीं देगा, किस मामले में इस चीज की कोई जानकारी नहीं दे रहा। स्टाफ हमसे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना प्रिंसिपल साहब ना स्टाफ जी, नहीं अभी तक कोई नहीं आया। सर मोबाइल नंबर बंद है, स्टाफ एक दो बार बोला आ रहा हूँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।